हिंदू न्यूज कवरेज सो टिलइट नाउ वी है एनवायरमेंट रिलेटेड करंटेयर टू जून ट्वेंटीज देखा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर एंड ऑगस्ट अब का कल होगा राइट एट वन पी एम कल ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का कवरेज होगा एंड नेक्स्ट द डे आफ्टर टुमोरो सो वी विल कवर सप्टेबर ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपका एंटायर यूपीएससी प्रियम्स होगा या यूपीएससी मेन्स होगा तो उसके लिए पूरा एंटायर सीरीज जो होगी आपको प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियोज आप प्रीवियस वीडियोज भी आप देख सकते हो तो ये सीरीज कम्पलीटली इंपॉर्टेंट होगी ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्राइज हाइक अलर्ट होगा अन एकेडमी पे डिट डिफरेंट कोर्सेस हम लॉन्च कर रहे हैं सो डेफिनेटली इट इज अ प्राइज हाइक अलर्ट बिकॉज नेक्स्ट मंथ जैसे ही प्रलियि हो जाता है आपका तो उसके बाद मतलब फोर्थ ऑफ अक्टूबर के बाद कुछ प्राइस हाइक हो सकते हैं सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब नाउ टू द अन अकेडेमी चैनल ओके सो अन एकेडमी के जो डिफरेंट ऐप uh, आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है सो यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ सुमित कोंडे सो यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन द वेरियस कोर्सेस ओके सो डिफरेंट देखो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गए या फिर कंप्लीट प्रिपरेशन बैचेस हो गए आपकी तो वो वहाँ पे कवर होगी जिसमें आपको एंटायर फ्रॉम प्रिलियम्स मींस एंड जो ऑप्शनल कोर्सेस है वो भी वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी ठीक है सो फुल सिलेबस कवरेज होगा फुल ईयर बैच होगी एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ ऑफ अक्टूबर ओके सो यहाँ पे डेफिनेटली एक टॉप एजुकेटर्स हो गए एंड एंटायर वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहां पे होगा सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द अन प्लस चैनल ओके ओके देन सो नेक्स्ट दैट इज वी कैन स्टार्ट विद द नाउ ऑन एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी सो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको और भी कुछ सेशन uh, मेरे जो एन्वायरमेंट रिलेटेड स्टार्टिंग पार्ट होगा या फिर जो जोग्राफी रिलेटेड एक कोर सब्जेक्ट है जो कि आपके यू पी एस सी का सो so, उसी रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो वो भी आपको सेम मेरे चैनल पर आपको दिख जाएगा एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप फ्री क्लासेज भी देख सकते हो वहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है अनएकेडमी ऐप पर जाने के बाद सर्च पर टाइप करना है सुमित कोंडे एंड देन यू विल

सो फर्स्ट न्यूज फ्रॉम दिस जून थर्टी ऐसे कुछ यहाँ पे न्यूज थी मतलब लाइक लास्ट एक दो दिन मतलब फर्स्ट वीक न्यूज कुछ यहाँ पे दिखेगी आपको दैट इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स फ्रेश फंड फ्रॉर द गंगा क्लीनिंग मिशन ओके सो ऐसे कुछ न्यूज थी यहाँ पे एंड रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव अ फाइव ईयर लोन ओके दैट इज द सेकंड फेज का कुछ लोन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वी कैन ऑल्सो से दैट नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है हमारा तो उसको वर्थ ऑफ थ्री थाउजेंड करोड़ का कुछ लोन सैक्शन हुआ है वर्ल्ड बैंक के थ्रू टू सेम पोल्यूशन इन मतलब जो पोल्यूशन है वो कम करने के लिए ऐसे पहले फेज में भी कुछ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ का कुछ लोन दिया गया था अभी ये सेकेंड फेज का लोन है दैट इज थ्री थाउजेंड करोड़ का ओके okay, तो ऐसे लोन्स कहाँ से मिलते हैं वो शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को ठीक है सो प्लीज गो एंड चेक की जो नमामी गंगा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है तो जितना मुझसे पॉसिबल है नमामी गंगा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जैसे दो अपडेशन जैसे मोदी गवर्नमेंट आ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि पे जून फोर्टीन में इसके नाम चेंज हो जाता है ठीक है गंगा एक्शन प्लान से नाम चेंज होता है नमामि गंगा प्रोग्राम एंड इट इज इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम मतलब क्या होगा यहाँ पे सिर्फ गंगा रिवर को क्लीन नहीं करना है तो उसके रिलेटेड जो एनवायरमेंट होगा या फिर वहाँ पे जो डिफरेंट डेवलपमेंट होगा या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए रिवर सरफेस क्लीनिंग होगा या बायडावर्सिटी कंजर्वेशन है अफॉरेस्टेशन है या पब्लिक अवेयरनेस है तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली कवर करना है एंड इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्लान ऐसे ये हो सकता है ठीक है सो इट इज अंडर द वी कैन से इट इज बींग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये ऑपरेट होता है एंड प्रोग्राम इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ओके प्लीज नोट दैट इंप्लीमेंट कौन करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ओके एंड एनएमसीजी इज द इंप्लीमेंटिंग विंग मतलब ये किसकी इंप्लीमेंटिंग विंग है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सो नेशनल गंगा काउंसिल जो कि पॉलिसीज वगैरह बनाए बनाने का काम मेजरली किसका होता है नेशनल गंगा काउंसिल का ओके सो प्लीज नोट दैट कि नेशनल गंगा काउंसिल जो है तो उसका काम है कि यहां पे जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाए जाए एंड व्हिच रिप्लेस द नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथॉरिटी तो एक्चुअली नेशनल गंगा काउंसिल का रिप्लेसमेंट क्या है 2016 में इसको रिप्लेस किया गया था नेशनल नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथॉरिटी को नेशनल गंगा काउंसिल के थ्रू और नेशनल गंगा काउंसिल जो है तो ये पॉलिसीज वगैरह बनाएगी और यही पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का काम किसका है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ठीक है फॉर क्लीन गंगा तो ऐसे ये हरकी थोड़ी सी याद रखो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है ओके okay? so, जैसे कि नेशनल गंगा काउंसिल का हेड कौन होता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर होता है ठीक है सो प्लीज नो दैट इसके हेड कौन है क्या है ये शायद क्वेश्चन बन सकता है सो so, जैसे नमामि गंगा ऑलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ का यह बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है एंड लेड स्टेज ऑन द बिल्डिंग क्रिमेटोरियम अगर होगा टॉयलेट अगर एक्रॉसेज गंगा विलेजेस एंड टाउन होगा या जैसे मैंने आपको बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए इंडस्ट्रियल इफ्लोट मॉनिटरिंग होगा टिंग विंग कि okay? है नेशनल गंगा काउंसिल की ओके नेशनल गंगा काउंसिल की इम्प्लीमेंटिंग विंग है और नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होते हैं तो ये भी थोड़े से चीजें सबको नोट करना है एंड अदर इनिशियेटिव में देखा जाए तो वैसे मैंने आपको बताया था कि ये गंगा एक्शन प्लान का ही पार्ट है जो कि 1985 में स्टार्ट हुआ था इसके दो फेजेस थे फेज फेज एंड ठीक है जैसे कि आप अगर देखोगे फेज वन जो था 1985 में कुछ लॉन्च हुआ था एंड फेज टू अगर देखा जाए तो 1997 के आसपास कुछ लॉन्च हुआ था इसके ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो आउटडेटेड पार्ट है सो तो इसमें मुझे लगता है उतना कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं तो आप बेटर है कि आप नेशनल गंगा जो रिवर बेसिन अथॉरिटी रहेगा या फिर नेशनल गंगा काउंसिल है या नमामि गंगा यहाँ तक भी लिमिटेड आप पढ़ लेते हो तो इट इज मोर देन सफिशियंट ंगा बेसन ऑथोरिटी ओके सो इट वॉज फॉर्मड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द टू थाउंटेंड नाइन एंड सेक्शन थ्री ऑफ द एनवाइन एक्ट नाइन एटी सिक्स के अंडर ये हुआ है प्लीज नो दैट नेशनल रिवर गंगा बेसन ऑथॉरिटी इज फॉर्मड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स अब दूसरी बात ऐसे की इसका नाम जैसे जैसे मैंने बताया आपको टू थाउजेंड सिक्सटीन में नेशनल गंगा रिवर बेसन ऑथॉरिटी का ही चेंज एज अशनल गंगा काउंसिल हुआ है और इसके हेड कौन होते प्राइम मिनिस्टर ठीक है मतलब नथिंग बट नेशनल गंगा काउंसिल भी किसका पार्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ही पार्ट है, 1986 का ओके okay? तो यही याद रखो एंड सेकेंड है नेशनल रिवर एज ये भी डिक्लेयर कब हुआ था तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी जब एस्टैब्लिश हुआ था तभी इसको नेशनल रिवर भी डिक्लेयर किया गया था तो इसमें क्लीन गंगा फॉन्ट भुवन गंगा वेब ऐप बैन ऑन द वेस्ट डिस्पोजल तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे ठीक है सो एसोसिएटेड चैलेंज में अगर देखा जाए आप ये मेंस में लिख सकते हो कि डिफरेंट मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है बीओडी लेवल बहुत ही डाउन है और इससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है तो वो यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब अगर देखा जाए हाई हाईली पोल्यूटेड होने का एक रीजन होगा सो वायोलेशन ऑफ ई फ्लो नॉफ्स तो ये क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए गंगा रिवर में ठीक है सो वो फ्लो मेंटेन रहने के लिए डैम लिमिटेड डैम या रेगुलेटेड उतने ही डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना जरूरी होगा ज़्यादा डॉम अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते तो उसका फ्लो अफेक्ट हो सकता है तो उसको ई फ्लो कहा जाता है इकोलॉजिकल फ्लो मतलब ज़्यादा डैम अगर कंस्ट्रक्ट कर देते तो शायद या डाइवर्ट कर देते वाटर तो इस पर डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है तो ई फ्लो मतलब नेचुरल फ्लो उसका मेंटेन रहे सो दैट एक लिमिटेड डैम हम इस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है सो इलीगल कंस्ट्रक्शन पुअर गवर्नेंस ऐसे और भी यहाँ पे चीजें आ सकती है सो प्लीज गाइज ओके प्लीज गो इन द डिटेल्स ऑफ नमामी गंगा प्रोग्राम वैसे तो मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी आपको रिलेटेड टू दिस स्कीम ठीक है सो आपको बस डिटेल में और जितने भी पॉसिबल हो सकता है करंट अफेयर इससे अटैच कर लो सो ये एग्जाम में देखो बन सकता है क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल जू अथॉरिटी तो सेंट्रल जू अथॉरिटी तो थोड़ा सा स्लाइटली रिकंस्ट्रक्शन हुआ है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कि जहां पे सीजेड ए वुड नाउ इंक्लूड एन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ द प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द दिल्ली एंड अ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट ठीक है तो अभी इनको भी प्लेस होगी सेंट्रल जू अथॉरिटी में ठीक है तो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है तो उसमें जो आ, उनके मेंबर्स होते तो ये मेंबर्स भी अभी कुछ ऐड होने वाले एक्सपर्ट्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर ओके सो सेंट्रल जू अथॉरिटी देखा जाए उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दैट इज द स्टेटुटरी बॉडी प्लीज नोट दैट ये स्टेटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से एक्ट के अंडर आता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी ओके एंड एवरी जू इन द कंट्री मस्ट ऑप्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम द दीजे फॉर इट्स ऑपरेशन तो सीजेड ए को अगर कोई भी फंक्शंस करना है तो उसको डेफिनेटली कहाँ से रिकॉग्निशन मतलब कोई भी जूज रहेंगे तो उनको अगर डेफिनेटली उनके जो एरियाज एक्सपांड करना है एरिया कम करना है या कोई एनिमल्स या स्पीसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो उनको फर्स्ट किसकी परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल जू अथॉरिटी की और ये वज़ा का भी मेम्बर है सेंट्रल जू अथॉरिटी इज द मेम्बर ऑफ द वज़ा वजा मीन्स क्या है कि वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन जूज एंड एक्वेरियम ठीक है तो इसके भी ये मेम्बर है सो सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में वज़ा भी एक बार आपको चेकआउट करना है सो स्ट्रक्चर ऑफ सीजन ए में देखा जाए जो कि अभी रिसेंटली देखो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट किए गए तो अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन टोटल ऐसे टेन में ऑलमोस्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से हो गए नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हो गया एंड रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर इसके मेंबर्स होते हैं सो सेंट्रल जो अथॉरिटी में देखो कि जैसे मैंने बताया आपको कि वजह का ये मेम्बर एफिलेटेड मेंबर आता है ठीक है तो वजह भी एक बार हम देखेंगे आगे ठीक है उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है स्टेटूटरी बॉडी नाइनटीन सेवन के एक्ट के अंडर फॉर्मेशन हुआ है एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ एनिमल एंड डेंजर कैटेगरीज लिस्ट अंडर द शेड्यूल वन एंड टू होगा तो उसके अंडर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं तो वो भी ये फॉलो करता है ठीक है देखते हैं वजह वजह क्या है तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडिया की सेंट्रल जो अथॉरिटी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है तो वैसे ही वजह ये क्या है कि वर्ल्ड की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द जूज एंड एक्वेरियम तो वर्ल्ड में जो भी जू इंटर या फिर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो जू में एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि हमें रिसेंटली नामी बिया से हमने क्या किया है कि मैसूर जो जू है है ना तो वहां पे हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया है चिताज, चिताज. तो वो जो चिताज एक्सचेंज किए तो उसके लिए वजह की परमिशन चाहिए होती है ठीक है तो ऐसे ही याद रखो कि वजह एग्जैक्टली क्या है एंड उसके मेजर वर्क क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो इट इज ऑब्लिगेटेड टू कम्प्लाई विद द वजाज कोड ऑफ इथिक्स एंड एनिमल वेलफेयर अडोप्टेड बाय वजा इन टू ठीक है तो ऐसे कोड आपको पे करने पड़ेगा और इसका लोकेशन देखा जाए तो बार्सिलोना स्पेन में आता है वजह का जो भी रहेगी ऑफिस रहेगी वैसे बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन 1935 में ही एस्टेब्लिश थी, ठीक है क्लियर यहां तक सबको यस एनी क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई यस एनी क्वेश्चन ओके ओके सो फाइन सो देखते नेक्स्ट पार्ट

विजॉय नगर भी उसको कहा जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है एंड सेकेंड है नाम नेशनल पार्क तो जो कि वो कहाँ पे आएगा वो भी अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे ये स्पीसीज मिले तो मुझे लगता है लोकेशन फैक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दो ठीक है सो विजयनगर नगर कहाँ पे आता है तो दैट इज द इन अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में कुछ बहुत ही ईस्ट की तरफ आता है जहां पे तीनों साइड से देखो इसको म्यांमार कनेक्टेड है एंड एक साइड से वेस्ट की तरफ अरुणाचल कनेक्टेड या फिर आपका नामधापा नेशनल पार्क जो है तो वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा ठीक है सो ओरिजिनली नोन एज द दावड़ी ऐसे कुछ कहा जाता है यहाँ पे डिफरेंट योबिन लिस्ू योबिन पीपल्स है बट ऑफिशियली ने विजयनगर एंड विजयनगर इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय द म्यानमार एंड नाम धापा ये इसके वेस्ट की तरफ आता है नाम धापा देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखते हम डाफला मिरी अबोर एंड मिशमी ठीक है एंड उसके बाद लास्ट आता है पतकोई ठीक है तो डाफला मिरी अबोर मिशमी एंड पतकोई तो मिशमी एंड पतकोई ठीक है तो मिशमी एंड पतकोई के बीचों बीच आता है नाम धापा तो शायद ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाम धापा इज बिटवीन मिशमी एंड पतकोई आपका आंसर होना चाहिए वहां पे ठीक है सो so, नेक्स्ट देखते नाम धपा तो देखो यहाँ पे नाम धपा को कुछ पार्ट है पतकोई के वेस्ट में आता है और मिशमी के ईस्ट की तरफ आएगा सो so, नाम धपा इज अलमोस्ट टू थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का ऐसे कुछ एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट में एंड इट इज बाट हॉटस्पॉट इन द ईस्टर्न हिमालय ओके एंड एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि लो लैंड पे भी अगर आप देखोगे तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्ट uh, में मतलब ईस्टर्न की तरफ अमेजॉन ऑफ द ईस्ट और अमेजोन ऑफ द इंडिया अमेजोन फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया अमेज़न ऑफ द ईस्ट ऐसे भी इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट तो ऐसा रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिल रहा है ठीक है एंड ये जंक्शन पर आता है जैसे कि आप अगर देखोगे सो so, पैलियार्टिक ऐसे कुछ रियाम्स होते हैं इंडो मलायन रियाम होता है तो इसके जंक्शन पे आता है मतलब हमारे ये पैलियार्टिक रियाम है ऐसे वर्ल्ड में अलग अलग आ, रियाम्स होते हैं आप प्लीज रियाम्स जाके चेक करो एक बार एंड सेकंड so, so, exactly है इंडो मलाय तो तो इसके एग्जैक्टली बीचों बीच आता है ये मतलब जंक्शन पे आएगा, तो so, यहाँ पे दो रियाम फ्लो होते हैं मिशमी हिल्स ठीक है तो so, सिंपली याद रखो मिशमी हिल्स एंड पतकोई इसके बीच में आता है आपका नाम धापा ओके सो इट इज बिटवीन नाम धापा इज लोकेटेड बिटवीन मिशमी एंड ये आपको याद रखना है एंड सेकंड पे कौन सी रिवर फ्लो होती है दिहिंग या दिहिंग रिवर भी आप याद रखते हो तो इट इज मोर देन इनफ कि दिहिंग रिवर के बीच में या इसके आसपास इसका लोकेशन है उसके बाद नाम नेशनल पार्क में कोई एंडेमिक है यस डेफिनेटली दे डू हैव द एंडेमिक एंड दैट स्पीसीजी देविक नाम धापा इट इज एंडेमिक टू नाम धापा रीजन एंड इट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ओके सो ये क्या है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज आती है ठीक है नाम धापा फ्लाइंग स्क्वेरल इट इज एंडेमिक मतलब सिर्फ वहां पर ही मिलेगी अदर कहां पर नहीं मिलेगी ठीक है सो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड

और इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल 50 टाइगर रिजर्व है तो अगर ये लिस्ट अपडेट होती है तो दैट विल बी द ओके शिवालिक फॉरेस्ट रिजर्व और जो कि किसके रिगार्डिंग है यूपी के रिगार्डिंग है यूपी में होने वाला सब है ना तो याद रखना ये बाकी फैक्ट्स है मैंने आपको दिए यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड उसके बाद आप उसको डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो सो देख लेना टाइगर्स के नंबर्स अगर देखे जाए तो टू के आसपास कुछ आते हैं जो कि रिसेंट जो टाइगर सेंसस हुआ था एटीन का ठीक है जिसका रिपोर्ट आया था 19 में तो उसके अकॉर्डिंगली 2967 हमारे क्या है कि टोटल टाइगर्स है जो कि पहले अगर देखा जाए तो 14 में आसपास देखोगे हर चार साल को टाइगर सेंसस होता है एंड लास्ट ईयर ट्रिपल टू सिक्स ऐसे कुछ टाइगर मतलब लास्ट सेंसस में अगर देखा जाए तो ट्रिपल टू सिक्स ऐसे कुछ टाइगर्स थे एंड उसके बाद ये नंबर्स इंक्रीज हो गए टू इतने टाइगर्स हैं हमारे पास ठीक है तो याद रखो एंड जो कि वर्ल्ड में सबसे हाइएस्ट टाइगर के नंबर्स इंडिया में आते हैं और इसमें भी स्टेट वाइज शायद यूपीएससी जा सकती है कि स्टेट वाइज पूछ सकते हैं कि कौन से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है सो योर आंसर मजदीद है एम पी एम पी में सबसे ज्यादा क्या आते हैं आपके यस टाइगर साइगे क्लियर यहाँ तक सबको एंड सेकेंड नंबर पर कौन आ रहा है यस तो दैट इज द कर्नाटका ऑन द सेकेंड थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो दैट इज उत्तराखंड एंड फोर्थ नंबर पर आता है महाराष्ट्र सो so याद रखना फर्स्ट एम पी ऑन द टाइगर नंबर सेकंड इज कर्नाटका थर्ड इज उत्तराखंड एंड फोर्थ इज महाराष्ट्र ठीक है तो चलो ये देखते अगेन कम बैक टू अवर पॉइंट कि जो अमनगढ़ रहेगा पिलबीत एंड दुधवा तो ये सब देखो ये दुधवा वगैरह ये सब बॉर्डर्स पे आता है अमनगढ़ भी देखा जाए तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड एंड यूपी के आसपास आएगा नैनीताल से थोड़ा पहले यहाँ पे हरिद्वार से ईस्ट की तरफ तो ये आता है यस दैट इज अमनगढ़ तो यही लोकेशन के पास जो शिवालिक टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व है तो उसको ही टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना है ठीक है एंड इसमें राजा जी नेशनल पार्क एक मेंशन हुआ था सो राजा जी नेशनल पार्क देख लो कहाँ पे आता है सो इट इज इन द वी कैन से देहरादून हरिद्वार के आसपास आ जाएगा उत्तराखंड में राजा जी ने पार्क तो राजा जी नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व विद द शिवालिक तो शिवालिक के आसपास ही आते हैं कुछ द पार्क इज मोस्ट रिनोन फॉर इट्स एलिफेंट्स ठीक है तो एलिफेंट के लिए जाना जाता है राजा जी एंड टाइगर्स एंड लेपर्ड्स यहाँ पे प्राइम प्रेडिटर्स है एंड uh, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखते हो उत्तराखंड होगा उत्तराखंड में आता है ये पार्ट हरिद्वार देहरादून पारी पौरी गरवाल ऐसे कुछ पार्ट में आता है राजा जी ठीक है तो ये भी थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लो एंड सेकेंड uh, है कि uh, यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है राजा जी नेशनल पार्क से तो गंगा एंड सोंग रिवर ठीक है याद रखना राजा जी नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो होती है दैट इज गंगा एंड सोंग रिवर ओके okay? सो so, ये भी आपको याद रखना है ओके एवरी अंडरस्टूड यस ओके ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं सो दैट इज द क्वेश्चन इज दैट बट क्वेश्चन शायद हमें थोड़ा यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है सो so, चलो क्वेश्चन हम बाद में कभी देखेंगे ठीक so, है सो नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर देखे जाए तो इंडिया हैज़ द सिक्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितने टोटल थर्टी एट आते हैं थर्टी कल्चरल साइट्स है सेवन uh, हमारे पास नेचुरल साइट्स है एंड वन मिक्स साइट आती है ठीक है तो देखो कि uh, जो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है एंड यूपीएससी ने पूछा भी था कि आगरा फोर्ट हो होगा तो वो है अजंता केवज है तो ये सबसे फर्स्ट जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए थे तो उसमें से सबसे फर्स्ट था आगरा एंड अजंता नेचुरल साइट्स में अगर देखा जाए तो काजीरंगा केवला देव नंदा देवी होगा उसके बाद मानस रहेगा सुंदरबन वेस्टर्न घाट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया तो ये सब क्या है कि नेचुरल टोटल सेवन है तो ये आपको कैसे भी करके याद रखना है ठीक है केवला देव होगा जो कि कहाँ पे आता है यस दैट इज इन द राजस्थान काजीरंगा अगर देखा जाए तो आसाम में आता है मानस भी आसाम में आ जाएगा नंदा देवी अगर देखोगे वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको कहा जाता है वो आता है उत्तराखंड में ठीक है सो so, ऐसे सुंदरबन होगा वेस्टर्न घाट सो प्लीज गो एंड चेक दैट एंड एक ही यहाँ पे मिक्स साइट आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दैट इज द कांचन जुंगा ओके okay, जो कि ग्रेट हिमालय पे आती है सो so, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लो दैट इज काजीरंगा सॉरी कांचन जुंगा जो कि कहाँ पे आएगी एग्जैक्टली ऑन द ग्रेट हिमालय ओके क्लियर यहाँ तक ये वन अंडरस्टूड और नीलगिरी देख लेना नीलगिरी अभी तक नहीं आता है इसमें वेस्टर्न घाट आता है बट नीलगिरी को कोई इंक्लूड नहीं किया अभी तक नेचुरल साइट्स में अगर आप देखोगे तो नीलगिरी नहीं आएगा वो वेस्टर्न घाट आता है ठीक है so, सो नीलगिरी ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कहाँ पे ठीक है सो नीलगिरी इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट येट ओके सो उसको बाद में जब होगा तब देखेंगे हम ठीक है देन उसके बाद देखो बायोस्पीर रिजर्व देखे जाए तो इंडिया में टोटल एटीन बायोस्पी रिजर्व और उसके यूनेस्को के मैप साइड में मैन एंड बायोस्पिर के साइड में टोटल इलेवन आता है ठीक है तो वो चेक कर लेना एक बार देन उसके बाद कुछ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है थर्टी एट की देन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर नाइन ऐसे कुछ आसपास पास आए एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट होती है वो थर्टीन इंडिया में आता है ठीक है तो ऐसे अलग अलग देख लेना एक बार उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन थोड़ा सा चेकआउट कर लो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन देखा जाए तो जी आटैक्स इन नाइनटीन तो शायद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बने कि कडलमल हल्दी होगा या फिर करेवा फॉर्मेशन में जो सेफ्रॉन को जिया टैग मिला है ठीक है ऐसी पूरी लिस्ट है आपको यहाँ पे दिया है ये जो 1920 में है ना 2019 नाइनटीन टू ट्वेंटी ऐसे कंप्लीटली जी आई टैक्स मिले तो इसी पे भी क्वेश्चन बन सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट है किसके रिलेटेड है कैटेगरी क्या है उसकी एंड कौन से स्टेट में मिला है ठीक है सो नेक्स्ट है इंडिया में जो जी आई दिया जाता है सो so, वो कौन से एक्ट के अंडर दिया जाता है सो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन हैज़ कम इन फोर्स इन विद इफेक्ट टू टू थाउजेंड थ्री सो दो का जो इंडिया का सॉरी नाइनटीन नाइनटी का जो एक्ट है

जो कि कहां पे एग्जैक्टली exactly लोकेटेड तो ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड यस वेस्ट बंगाल ठीक है तो जो चिकन स्नेक का पॉइंट आता है तो देखो वहां पे दार्जिलिंग टी फॉर्मेशन ये कौन सा फॉर्मेशन में टी कल्टिवेशन द्वार फॉर्मेशन तो देखो ये एग्रीकल्चर या फिजियो मतलब फिजियोग्राफिकल चैप्टर से भी द्वार फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बन सकता है ओके सो प्लीज ये पूरी लिस्ट अच्छे से पढ़ो है ना तो यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकते question जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जाए पे एग्रीमेंट एंड इन इंडिया इट इज रजिस्टर्ड अंडर दोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन जो कि दो हजार तीन में इन इफेक्ट हुआ था क्लियर okay? yeah. यहाँ तक ओके okay. सो so, ये बाकी पूरा मैपिंग आप कर सकते हो जितना भी पॉसिबल है आप लोगों से ठीक है तो उतना मैपिंग भी देख लेना यहाँ पे सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस यस एनी क्वेश्चन? यस? यस एनी क्वेश्चन यस ओके ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं तो हाउ फंगस ग्रोज इन साइड अ बग गोज ऑन टू किल एंड फिल ऑन इट ठीक है सो ऐसे ही एक बग है कि जैसे एक फंगा है फॉर एग्जाम्पल ऑफिकोर डॉस ऑफिकॉर है ना ऐसे फंगा आता है तो एक क्वेश्चन ऐसे सिंपल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म ऑफ द ऑफिकॉर सेप्स ऐसे कुछ आएगा तो वो एक फंगा आती है ठीक है याद रखना तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होगा तो ये फंगा क्या है कि एक वी कैन से कि बायोलॉजिकल पेस्ट मानी जाती है सो तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर है तो इसके बाद में आप डिटेल्स में जाना है ठीक है आप लोगों को बाद में जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा तो उसको स्टॉप करके आप देख सकते हो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है सो एनी ऐसे फर्स्ट टाइम इसको फाइंड आउट किया गया रिसर्च में कि कांगेर वैली नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ तो देखो मेरा काम यही है कि आपको बताना कि कौन से न्यूज़ थे यहाँ पे ठीक है सो ये न्यूज थी फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड एंड ये की फंगाकी स्पीसीज है ऐसे ही क्वेश्चन होगा एंड कहाँ पे मिले कांगेर वैली इन छत्तीसगढ़ तो कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आता है सो so आता है छत्तीसगढ़ में तो देखते हैं कांगेर वैली कहाँ पे आ गई एक्जैक्टली सो अमंग द वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज द कंट्री ऑफ द कांगेर वैली नेशनल पार्क नियर जगदलपुर इन द बस्तर रीजन अभी ये जो बस्तर प्लाटो है

Uh, it is also uh, considered as the one of the few uh, we can say ki perennial river यहाँ पे बस्तर की तो ये कांगेर river के पास ही कांगेर valley national park आता है जो कि कहाँ पर छत्तीसगढ़ ये सबसे core point रहेगा ठीक है थीके? and east of the Bastar region okay सो so, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे जिसका सिंपली आंसर क्या होगा करंट में था इसलिए ये पूछा गया ऑफिकॉर डिप्स तो ये रहेगा फंगाइ का पार्ट है इट इज कंसिडर एज दायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर ओके ओके सो नेक्स्ट इज द देखो कांगेर वैली ये भी पूछ सकते हैं तो अभी सिंपल हो गया आपके लिए दैट इज छत्तीसगढ़ में आता है बिकॉज ऐसे हंड्रेड प्लस नेशनल पार्क है इंडिया में तो हर एक तो कभी कभी याद नहीं रहता है सो इट इज सिंपल कि आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में आता है हंड्रेड प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क है तो बस आपको वही है सिलेक्टिव जो न्यूज में आते हैं वही याद रखना है ओके सो नेक्स्ट इज द अलर्ट तो ऑलरेडी हमने ये न्यूज बहुत बार मे के करंट अफेयर्स में कवर किया है सो so, प्लीज आप लोग प्ले में जाओ ओके okay? प्ले लिस्ट जो रहेगी आपको तो वहां पे आपको डिफरेंट आपको पूरा 2020 जून तक का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा राइट फ्रॉम द जून 19 तो वहां से आप ये वीडियोस देख सकते हैं एंड लोकस्ट का जो इन्वेजन हुआ था तो उसी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स मैंने वहां पे अपलोड किया है सो गो एंड चेक दैट ओके नेक्स्ट है कि हम हेल्थ uh, क्राइसिस के लिए कितना प्रिपेर्ड uh, ऐसे इस रिलेटेड थोड़ा सा कुछ कंटेंट uh, या कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ आया था द uh, हिंदू के सो so, जो भी हेल्थ क्राइसिस है सो इंडिया इज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट ऐसे कुछ सर्वेज आए थे कि जैसे इसमें बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस भी हो गए तो वो भी डैमेज कर रहे ऑन द ह्यूमन हेल्थ अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे सी का इमिशन बहुत ज़्यादा है देन मिथेन होगा नाइट्रस ऑक्साइड है फ्लूनेटेड गैसेज है तो वही हेल्थ रिलेटेड इशूज़ बताए गए थे कि कोविड का इशू होगा या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन है या क्लाइमेट चेंज के जो इशूज है तो इसके लिए इंडिया इतना प्रिपेयर नहीं है सो इंडिया हैज़ बीन रैंक द वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट वेलनरेबल कंट्री टू द क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज को अगर देखा जाए तो हम मोस्ट वेलरेबल अगर देखा जाए तो कंट्रीज में माने जाते हैं एंड इंडिया सिर्फ 1.6 परसेंट ही जीडीपी डी पी के जो हेल्थ है वो स्पेंड करता है सो इंडिया फेस द टेस्ट ऑफ द रेडीनेस फॉर द हेल्थ डिजास्टर अकॉर्डिंग टू नाइनटीन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स सो जो नाइनटीन का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फेल हो गए ठीक है सो जो भी रेडीनेस होता है कि हेल्थ रिलेटेड आप कितने रेडी हो कोई भी अगर कल जाके इमरजेंसी आती है कोविड नाइन्टीन जैसे तो उसमें हम फेल्ड दें तो देखते हैं फिर ग्लोब, आ, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है सो इट इज अ वी कैन से दी फंडामेंटली वीक नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी इज फंडामेंटली वीक अराउंड द वर्ल्ड ओके सो कोविड 19 का जो सिग्निफिकेंस है या कोविड 19 की जो सिचुएशंस थी तो उसमें इंडिया कितना प्रिपेयर है या कोई भी कंट्री कितनी प्रिपेयर है तो उसके रिलेटेड ये रिपोर्ट निकाला गया था ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि किसने किसने निकाला है नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव जॉन्स होपकिसन सेंटर फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट तो ये तीनों ने मिलकर देखो नेशनल वी कैन से द थ्रेट इनिशिएटिव जॉन हॉपकिंसन एंड सेंटर फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी इन्होंने मिलकर ये निकाला है ठीक है सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑल्सो तो ये शायद पूछ सकते कि ये सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है ठीक है तो ये आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए सेकंड है कि यहां पे देखो जीएचआई इंडेक्स इज द फर्स्ट कॉम्प्रेसिव असेसमेंट ये पहली बार हुआ है बेंच मार्किंग ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी एंड रिलेटेड कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट ऐसे 195 कंट्रीज ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया था एंड इसमें अगर देखा जाए सो वन इंक्लूडिंग ऑल डब्ल्यू एच तो इसमें सब मेंबर्स आते हैं डब्ल्यू के तो शायद ये भी पूछ सकते कि डब्ल्यू के ऑल मेंबर्स यहाँ पे है या नहीं है सो योर आंसर मस्ट बी ऑल द डबल्यू एच मेम्बर्स भी इसका पार्ट है ये इंडेक्स का और ये इंडेक्स में अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरीज uh, होते हैं वैसे मतलब वैसे तो सिक्स कैटेगरीज है कि कौन से कैटेगरी से डिसाइड होगा कि उसका प्रिपेयरनेस क्या है तो प्रिवेंशन होगा डिटेंशन होगा या या डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग होगा सॉरी देन रैपिड रिस्पांस होगा हेल्थ सिस्टम कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रिस्क एनवायरनमेंट तो ये नॉर्म्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका स्कोर निकाला जाएगा ठीक है so, सो उसके अकॉर्डिंगली स्कोर क्या होगा कि आपका एक तो लो स्कोर हो सकता है अगर आप जीरो टू थर्टी थ्री के बीच में हो मॉडरेट स्कोर होगा थर्टी टू सॉरी थर्टी थ्री पॉइंट फोर टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स में अगर होते हो तो एंड हाई स्कोर होगा सिक्सटी सिक्स टू हंड्रेड तक सो इंडिया डेफिनेटली हाई स्कोर में तो नहीं होगा एंड वैसे देखा जाए तो हंड्रेड ऐसा स्कोर तो किसको भी नहीं आया ठीक है तो वो भी एक अच्छी मतलब देखने वाली बात है बट यूएस एस को जो भी टॉपर है यहाँ पे तो उसको 83 परसेंट है 83.5 एंड दैट इज द यूएस इज द मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द हेल्थ क्राइसिस ओके उसके बाद आता है यूके उसके बाद नेदरलैंड ऐसे कुछ कंट्रीज आते हैं एंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ द एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे वेल प्रिपेयर्ड कौन है जो भी हेल्थ इमरजेंसी है उसके लिए तो दैट इज द थाईलैंड ओके सो थाईलैंड इज द वेल प्रिपेयर्ड वन इन द एशिया तो यहाँ पे भी शायद क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना प्रिपेयर्ड है या कौन प्रिपेयर्ड है सो यर आंसर मस्ट बी द थाईलैंड एंड लिस्ट प्रिपेयर्ड में देखा जाए तो दैट इज द अफ्रीका कंट्री इन द वर्ल्ड सो अफ्रीका इज द लिस्ट प्रिपेयर्ड ओके एंड रही बात इंडिया की इंडिया इज द फिफ्टी सेवंथ इन द रैंक तो इंडिया का रैंक कितना है फिफ्टी सेवेंथ है एंड स्कोर इसका आता है फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फॉलिंग इन द मिडिल टायर है ना तो यहाँ पे हम कहाँ पे आते हैं फोर्टी सिक्स मतलब मॉडरेट स्कोर है हमारा तो हम कौन से प्रिपेयर्डनेस में आते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स दैट नो कंट्री इज फुलपेड फॉर द इपेडेमिक्स ठीक है तो yes, okay, so, यह no तो भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए ठीक है ओके एनी क्वेश्चन अपटू दिस ओके okay, ठीक है चलेगा सो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं सो व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज़ सो ऑलरेडी हमने ये कवर भी किया था कि नोरल्स निकल कि जहाँ पे ऑयल uh, लीकेज uh, हुए थे सो माइनिंग जैन टोल टू पे टू बिलियन फॉर आर्टिक्स स्पिल ठीक है सो so, ऐसे मतलब ऑलरेडी रशिया में इमरजेंसी मैंने हमने इसको पहले न्यूज़ में भी कुछ कवर किया इसको ठीक है सो so, पहले भी कुछ न्यूज़ थे तो उसमें कवर किया हमने ये पार्ट को तो द स्पिल हैपन वेन अ फ्यूअल टैंक एट अ पावर प्लांट नियर द साइब्रीन सिटी नोरिल्स कोलैप तो नोलिस नाम की कंपनी है जो कि वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकेल एंड पैलेडियम की ठीक है सो so, निकेल एंड पैलेडियम की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सो so, निकेल अगर देखा जाए तो यही कंपनी में जो यहाँ पे देखो फ्यूल टैंक में लीकेजेस हुए थे एंड ये पूरी रिवर्स ऐसे पोल्यूट हो गई थी आप ये भी इमेजेस देख सकते हो सो so, इसका ऑलरेडी न्यूज हमने जून मंथ में कुछ कवर किया था इसके रिगार्डिंग ठीक है so, सो इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि इनको कुछ फाइन लगे थे और इवन दो ये पार्ट में अगर देखा जाए तो इवन दो यहाँ पे इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ओके okay, सो so उन्होंने ये स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था यहाँ पे सो so नोरिस अंबर मतलब ये नोरिस का जो लीकेज वगैरह हुआ तो या जो भी रिवर यहाँ पे अफेक्ट हुई है दिस रिवर सो so दिस रिवर इज द अंबरण्य रिवर ओके okay, अम्बरण्य रिवर याद रखना अम्बरण्य रिवर का पार्ट है एंड अम्बरण्य इज द रिवर इन द साइबेरिया जो कि नॉर्थली डरेक्शन इंडो लेक पायेंसी हो ऐसे यहाँ पे कुछ फ्लो होती है एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो वो डेल्टा कुछ नोडल्स क्या ऐसे कुछ पार्ट पे डेल्टा बनाती है तो मुझे लगता है देखो इतने इसके ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इतना याद रखना कि अंबर अन्य रिवर कहाँ पर आती है सो दैट इज इन द रशिया तो मेक इट सिम्पलर बिकॉज यूपीएससी उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहती है ठीक है सो ऐसे कुछ पार्ट है दिन उसके बाद भसनचर आइलैंड याद रखना इसका भी न्यूज़ में चल रहा है बहुत सारा ठीक है तो भसंचर आइलैंड कहाँ पर आता है सो दैट इज़ इन द यस yes, uh, बांग्लादेश तो बांग्लादेश के पोजिशन में ये पार्ट दैट इज द भसंचर जो कि मेघना रिवर के माउथ पे आता है एंड इस पे भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वैसे हमने ये सेशंस uh, कुछ अनएकेडमी पे ऐप पे कल ही कवर किए थे सो so, प्लीज़ आप कनेक्टेड रहो अनएकेडमी पे जितने भी हमारे लेक्चर्स हो गए तो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड बहुत अच्छे लेक्चर्स हमने वहाँ पे कवर किए ठीक है सो एनी वेज ये क्या है कि हमने रिसेंटली हमने इन द सेंस बांग्लादेश ने Uh, जो भी रेफ्यूजी कैंप्स थे रोहिंग्यो के तो उनको फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ठीक है रोहिंग्या रेफ्यूजी लिविंग इन द बांग्लादेश कैंप्स हैव कैम्प्स टू मूव टू द बसंचर आइलैंड ठीक है जो कि बहुत ही एक वी uh, कैन से कि सिल्ट से बनाए सेडिमेंट से बनाए एंड यहाँ पे बहुत ही अफेक्टेड है विद द साइक्लोन ठीक है फ्रैगल एरिया इकोलॉजिकल फ्रैगल एरिया प्रोन टू द फ्लड्स एंड इरोजन ऑफ द साइक्लोन्स ठीक है तो इससे ये अफेक्टेड रीजन है बट एनीवेज याद रखना बसंचर किसके पोजीशन में है तो बांग्लादेश के और मेघना रिवर के माउथ पे आता है सैंडविप चैनल ऐसे कुछ पार्ट आता है यहाँ पे सैंडविप चैनल ओके यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सैंडविप चैनल के पास का कुछ पार्ट है ओके okay, तो ऐसे बहुत सारी वी कैन से कि करंट अफेयर्स से कुछ चीज़ें आ सकती है एग्जाम में और भसनचार को और भी नाम है दैट इज छारपिया थैंगेर छार ऐसे नाम है अलग या सैंडविप उप है तो उसका पार्ट ही है ठीक है सर थेंगेर चार छारपिया या भसन ठीक है तो ऐसे ये रीजन्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सो नेक्स्ट न्यूज इज सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत ठीक है तो सोलर एनर्जी यस उसको एज यू नो कि आई के टारगेट इंडिया ने कुछ इंक्रीज़ किए थे uh, जैसे कि 175 का गीगावाट का हमारा टारगेट था ओके okay, uh, मतलब जो नॉन फसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना है पैरिस समिट में जो हमने कमिट किया था आई में कि जो इंटेंडेड नेशनल डिटर्मेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आते तो वहाँ पर हमने कमिट किया था 175 गीगावाट हम नॉन फॉसिल बेस पे या रिन्यूएबल बेस पे क्रिएट करेंगे वही टारगेट हमारा 450 फिफ्टी का हो गया ठीक है सो so, इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो 750 फिफ्टी मेगावैट सोलर प्रोजेक्ट इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसका इनोग्रेशन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने किया था सो रेवा अल्ट्रा ये किसने डेवलप किया है कि रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एंड जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द एम ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओके okay, सो so इनके तीनों के थ्रू ये डेवलप हुआ है ये प्रोग्राम एंड सेकेंड है कि यहां पे इट इज़ इन लाइन विद द विद्याज कमिटमेंट टू अटेन द टारगेट्स ऑफ 175 सेवेंटी फाइव गीगा वैट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इंक्लूडिंग हंड्रेड इसमें वन सेवेंटी फाइव में कितना है हंड्रेड गीगा वैट तो सोलर का आता है बट अभी रिवाइज टारगेट जो है हमारे जो कि नरेंद्र मोदी इन्होंने क्या है कि यून एफ डी पी का एक जनरल मीटिंग हुआ था न्यूयॉर्क में तो वहां पर उन्होंने ये टारगेट इंक्रीज कर दिया वन सेवनटी फाइव से अभी फोर फिफ्टी तक का टारगेट कर दिया तो उसका ब्रेकआउट आप थोड़ा सा चेकआउट कर लो कि सोलार में कितना है विंड से कितना है हाइडेल से कितना रहेगा ये आपका काम रहेगा ठीक है सो प्लीज़ गो एंड चेक फोर फिफ्टी जो इंक्रीज टारगेट है इंडिया का तो वो थोड़ा सा देख लेना और वैसे पहले वाला आई एनडीसी का टारगेट है वन सेवेंटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या सॉरी रिन्यूएबल जो सोर्सेस है एनर्जी के तो वहाँ से हम जनरेट करेंगे सो प्रोजेक्ट गॉट वर्ल्ड बैंक का अगर देखा जाए तो अवार्ड भी मिला है ग्रुप्स प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस ऑफ द ट्रांजिशन स्ट्रक्चर तो इसको अवार्ड भी मिला है ये प्रोजेक्ट को ठीक है एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है इंडिया रेवा प्लांट इज इंडिया फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू गेट द फंडिंग फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से भी इसको एक जनरली फर्स्ट प्लांट ऐसा है इंडिया में जिसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से पैसे मिले जो कि वर्ल्ड बैंक का फंड होता है ओके okay? एंड सिर्फ जीरो परसेंट uh, से ये चालीस साल के लिए कुछ आपको फंडिंग दिया जाता है तो ऐसा फंड मिलने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है रेवा का एंड रेवा इज बींग प्रोजेक्ट बींग डाउटेड एज द एशियाज लार्जेस्ट फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन इंडिया टू ब्रेक द ग्रीड पैरिटी वैरियर अब ग्रीड पैरिटी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एनर्जी जनरेट होगी सो वो क्या है कि अल्टरनेटली बाकी स्टेट्स को या बाकी प्रोजेक्ट को भी आप सेल कर सकते हो ओके तो ये होगा ग्रीड पैरिटी जैसे सोर्स कैन जनरेट पावर एट अ लेविड कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज लेस दैन और इक्वल टू द प्राइस पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड देन उसके बाद सो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्जेक्ट टू सप्लाई एंड टू एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट मतलब यहाँ से एम पी से भी बाहर के स्टेट में भी ये क्या करेंगे uh, ये uh, जो एनर्जी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं like, लाइक uh, जो दिल्ली मेट्रो है तो उसको ट्वेंटी फोर परसेंट यहाँ से एनर्जी जाने वाली है दिल्ली मेट्रो को एंड रिमेनिंग सेवेंटी सिक्स परसेंट जो है वो डिस्कॉम स्टेट डिस्कॉम मतलब स्टेट को ही रहेगी एम पी को रहेगी ठीक है तो ये सेवेंटी सिक्स एम पी को ही रहेगी एंड ट्वेंटी फोर परसेंट जो है वो दिल्ली मेट्रो को जाने वाली है तो ऐसे ही यहाँ पे देखना इसके वजह से अगर देखा जाए तो कितना सीओ टू सिंक क्रिएट हो सकता है तो फिफ्टी लाख टन का पर ईयर इतना सिंक क्रिएट होगा सो इससे क्या होगा कि हमारे आई एन डी सी पैरिस समिट का जो टारगेट है इंडिया का कि हम बिलियन बिलियन टू टन का जो कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहता है इंडिया तो वो टारगेट अचीव करने में डेफिनेटली ये मदद करने वाला है फिफ्टी लाख टन ऑफ सीओ टू पर ईयर यहाँ से सिंक होगा ठीक है सो so, देख लेना ये टू फिफ्टी मेगावेट ईच ऐसे इंटू थ्री करो तो टोटल सेवन फिफ्टी मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है ओके प्लीज नोट दैट ऐसे तीन यूनिट रहेगा टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी वैसे टोटल सेवन फिफ्टी का ये प्रोजेक्ट है ओके सो यस एवरी वन अंडरस्ट अबाउट दिस ये क्वेश्चन वगैरह हम बाद में कुछ अनएकेडमी के सेशन पे कवर करेंगे सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज रिप्लाई यस एनी क्वेश्चन फास्ट प्लीज रिप्लाई फास्ट ओके ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं सो अंडर एंड ऑन कार्बन इमिशन सो वेटी देखा जाए तो फॉरियल फॉरेस्ट सर्वे करते हैं बायनियर मतलब क्या होता है बाइनियर बाइनियर okay, मतलब क्या है कि दो साल में यस टू ईयर में वंस ओके सो दो साल में एक बार ओके सो वंस इन टू ईयर उसको कहा जाता है बाइनियल सो so, हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है तो दो साल में एक बार फॉरेस्ट कवर काउंट करता है और उसमें अभी क्या है कि हम अपडेट ऐसे किया हमने कि 54 मतलब वहां पे फॉरेस्ट प्रोन कितने रीजन वो भी पे डिस्कस किया जाएगा लाइक 54 ऑफ द द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज टू ओकेजनल फायर ठीक है तो हमारा कितना है 54 परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट जो है तो वो ओकेजनल फायर के अंडर आ सकता है और वैसे देखा जाए तो रिपोर्ट में एफ में ऐसे भी दिया है कि ऑलमोस्ट इंडिया का ट्वेंटी परसेंट वन ऑफ द फॉरेस्ट ये बहुत ही ज्यादा प्रोन है फायर को कितना है प्रोन एक्सट्रीमली प्रोन टू द फॉरेस्ट फायर अगर देखा जाए सो दैट इज द ट्वेंटी परसेंट एंड ओकेजनल अगर देखा जाए तो दैट इज द फिफ्टी फोर परसेंट तो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आंसर ओनली ओके सो स्टेट ऑफ इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर देखा जाए तो एमपीआईगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ हिमाचल ऐसे रीजन जो है फॉरेस्ट तो फायर को सबसे ज्यादा अफेटेड है ओके okay, तो ये याद रखना है आपको एंड ऐसे ही फॉरस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट होता है तो एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट पर आप जाकर चेक कर सकते हो और जहां पर मैंशन किया है कि फिफ्टी और फोर परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया ओकेजनल फायर ओके एंड ट्वेंटी परसेंट इज एक्सट्रीमली फायर प्रोन रीजन में आता है ठीक है तो याद रखना एक्सट्रीमली फायर प्रोन कितना है फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉरेस्ट सर्वे याद रखना इस बार हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स ये हमारा फॉरेस्ट कवर है अभी रिसेंट वाला ठीक है तो प्लीज याद रखो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स ये हमारा क्या है अभी रिसेंट फॉरेस्ट कवर है बाई ट्वेंटी नाइनटीन ओके दो हज़ार उन्नीस का अब इसके बाद जो फॉरेस्ट सर्वे होगा वो 2021 में होगा दो साल में एक बार होता है याद रखना ठीक है ओके सो उसके बाद ये आप बाद में जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल, हो, अवेलेबल होगा सो so बाद में इसको स्टॉप करके पढ़ लेना सो इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द मीन्स ऑल्सो ओके सो नेक्स्ट इज द असम किल बैक स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन ट्वेंटी ठीक है तो एक उन्नीस साल के सॉरी uh, 130 ऑलमोस्ट 130 इयर्स के बाद ऐसे कुछ स्नेक यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है सो so स्पॉट हुआ है मतलब ऐसे कुछ डिस्कवर होना ऐसे कुछ पार्ट नहीं यहाँ पे सो आसम किलबैक स्पॉटेड मतलब ऐसे कुछ अलग देखो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है तो हमें लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है एंड ये एंडेमिक्स ने के ऑफ अपर आसाम ठीक है तो आसाम awesome का कुछ अपर पार्ट में ये एंडेमिक रहेगा ठीक है तो देखते हैं सो so, देख लेना बस यहाँ पे कि आसाम का पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे आता है जस्ट इन शॉर्ट आप वहाँ पे एक बार लुकआउट कर देना ठीक है अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू ऐसे कुछ पब्लिशमेंट होता है तो देख लेना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके जो कि देहरादून में आती है याद रखना इट इज द इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ एक्ट अगर होगा तो वो अलग होता है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है तो वो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बट इट इज़ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे एजुकेशनल बातें चलने वाली है कि जैसे बायोडासिड होगा इंडेंजर स्पीसीज होगी वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज होगी या डिफरेंट इको डेवलपमेंट का रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा या फिर लैब्रेटरीज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैब्रेरीज होगी या रिमोट सेंसिंग ये सब वी कैन से कि लर्निंग वाली चीज़ है तो इंस्टीट्यूट में एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होता है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ और ये कोई एक्ट के अंडर नहीं आता ये इंस्टीट्यूट है अंडरस्टूड एवरी तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंडर आता है तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होना इंस्टीट्यूट जब होता है तो वो कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी एंड इट इज नॉट अंडर द एनी एक्ट ओके याद रखना एंड एटी टू में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था देहरादून में तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर आती है देहरादून उतना ही याद रखो एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो बस याद रखना है आपको ओके सो नेक्स्ट इज द इंडिया टाइगर सेंसस ऑफ 18 सेट्स अ गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक है तो जो इंडिया टाइगर सेंसस से 18 का तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे अगर देखा जाए तो वो हुआ था ओके okay? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे सो so, वो क्या है एक्चुअली तो देखा जाए तो देखो 34 फोर लैख फोटोग्राफ निकाले गए थे एंड उसमें से फिर 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे मतलब इतने सारे फोटोज निकाल के कोई सर्वे करना इसमें हमने रिकॉर्ड किया ठीक है सो नॉट इन द नंबर और एक्सेट्रा प्लीज नोट दैट कि नंबर रिलेटेड कोई गिनीज वर्ल्ड वर्ल रिकॉर्ड में हमारा कुछ नंबर वगैरह नहीं है याद रखना कि यहाँ पे फोटोग्राफ जो निकाले गए बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स और उसमें से जो सर्वे किया गया तो उसको उसके लिए हमें मिला है तो कैमरा ट्रैप्स आर आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस विद द मोशन सेंसर एंड एनिमल बाय जैसे पास होता है तो फिर वो अपने आप कैप्चर कर लेते हैं इमेजेस तो फोर साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एटीन ठीक है सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेवेंटी ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में आता है सो तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिफ्टी आता है एक्सेट्रा तो वो गलत होगा तो याद रखना सेवेंटी है तो सेवेंटी ही चाहिए ठीक है बिकॉज ये रिपोर्ट में है एंड नेक्स्ट ऐसा आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखते हो देखो ऐसे क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली रिसेंट इंडियन टाइगर एस्टिमेशन सर्वे अगर देखा जाए तो uh, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है नंबर यस डेफिनेटली ट्रिपल टू सिक्स से टू नाइन सिक्स सेवन जो रिसेंट वाला नंबर है तो इंक्रीज़ तो हुआ है और सेकेंड है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर फिफ्टी परसेंट तो ये गलत है बिकॉज सेवेंटी फाइव परसेंट हमारे टाइगर के नंबर है ठीक है वर्ल्ड के तो इसके बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो डायरेक्टली रशिया का आता है एंड उसके पास ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड एंड फोर्टी के आसपास कुछ टाइगर्स है बट हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइगर्स है मतलब टॉप है हम इसमें सब में है ना सो एनी याद रखो एंड उसके बाद और क्या हो सकता है देखो न्यूज़ में देखते हम इन्वेजिव पेस्ट कुछ यहाँ पे आ, फेमस थी इंडिजिनियस बर्ग्स हेल्प्स टू टैकल द इन्वेजिव पेस्ट ऐसे कुछ आया था न्यूज़ में तो बस ये थोड़ा बाद में आप लोग देख लेना गुली वाइट फ्लैश को अफेक्ट मतलब होने वाले कुछ ऐसे पार्ट से तो बस आप इसको थोड़ा सा बाद में देख लो उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा यहाँ पे ठीक है इसलिए हम डायरेक्टली सेकेंड न्यूज़ पे करते हैं सो दैट इज द काजी वन जीरो काजी वन जीरो गोल्डन टाइगर सो कंट्री का ये ओनली गोल्डन टाइगर है जो की कंट्री मतलब हमें फाइंड आउट हुआ है इन द काजीरंगा नाम सिंपल है देखो काजी रंगा में फाइंड आउट हुआ है सो so एक्चुअली ये कोई टाइगर की अलग से स्पीसीज नहीं है ये फिनमिना है या फिर मेलानिज्म है सो so जब क्या होता है कि येल्लोइ बैकग्राउंड मतलब ये येल्लो कलर जब ज्यादा एक्सपोज हो जाता है उसको कहा जाता है अगोटी जीन्स होते हैं उसमें अगोटी जीन्स तो वो जब ज्यादा एक्सपोज हो जाता है तब ऐसे कलर जो गोल्डन कलर है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है ठीक है एंड जब ब्लैक कलर मोस्ट एक्सपोज होता है जिसको टैबी जीन्स कहा जाता है वो अगर एक्सपोज होगा मोर एक्सपोज होगा तब क्या होता है ब्लैक पैंथर्स जैसे क्रिएट होता है अभी ब्लैक पैंथर देखा जाए तो कोई अलग स्पीसीज नहीं है तो लेपर्ड का ही पार्ट है बट उसमें क्या है कि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं लेपर्ड में तो वो लेपर्ड के जो बैक स्पॉट है तो वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं उसको कहा जाता है येस दैट इज़ द ब्लैक पैथर और वो एक्चुअली क्या है कि ल्योपर की ही स्पीसीज है बस उसमें टैबी जीन्स जो है तो वो ज़्यादा क्रिएट हुए या फिर वो ज्यादा डेवलप हुए तो ऐसे उसका पार्ट होता है ठीक है सो एनी वेज याद रखना टैबी टाइगर स्ट्रॉबेरी टाइगर भी इसके नाम है कुछ ठीक है टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर ओके okay, काजी वन जीरो सिक्स सो काजी रंगा दिख लेना कहाँ पर बिकॉज बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है फ्लड्स वगैरह की इशूज़ की वजह से तो फ्लड्स की वजह से देखा जाए तो साउथ ऑफ़ वी कैंसिक ब्रह्मपुत्रा के आसपास आते हैं उतना याद रखो ब्रह्मपुत्रा के साउथ में आता है काजीरंगा एंड उसके साउथ में अगर देखा जाए तो मोरा दिप्लू याद रखना नॉर्थ की तरफ कौन सी रिवर है काजीरंगा के ब्रह्मपुत्र एंड साउथ की तरफ कौन सी है मोरा दिफ्लू रिवर एंड विच फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री एंड अदर नोटेबल विद इन द पार्क अगर देखा जाए तो दिफ्लू रिवर एक आती है एंड मोरा धनिश्री तो विद इन द पार्क है मोरा दिफलू रिवर एंड मोरा धनिश्री एंड साउथ की तरफ है मोरा दिफ्लू एंड नॉर्थ की तरफ रहेगी ब्रह्मपुत्रा ठीक है समझ रहा है सबको नॉर्थ की तरफ ब्रह्मपुत्रा साउथ की तरफ मोरा दिफ्लू एंड इन बिटवीन दिफ्लू एंड मोरा धनिश्रे ऐसे कुछ रिवर काजीरंगा से फ्लो होते हैं ठीक है एंड ये बायोडाटी हॉटस्पॉट रीजन में भी आता है इंडो रियाम जो है इंडो मलय रियाम तो उसमें आता है वन हंड राइनोज यहाँ के फेमस है एंड uh, सेकंड अगर देखा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है जो नेचुरल साइट हमने देखे थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल सेवन नेचुरल साइट है तो उसमें से एक काजिरंगा आ जाएगा ठीक है देन उसके बाद इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया रिसेंटली ही इसको डिक्लेयर कर दिया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू ओके इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया और अदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एवियन स्पीसीज आते हैं ऐसे भी नोट हुआ है लास्ट ईयर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एवियन स्पीसीज कहाँ पे आते हैं काजिरंगा नेशनल पार्क में ओके okay? तो शायद ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ओके यस सो देखो ये इंडोमलायम रियाम है एंड ये पालियार्टिक रियम है तो हमारा जो हिमालय का सेक्शन है लाइक जम्मू कश्मीर होगा उत्तराखंड है हिमाचल है सिक्किम होगा या अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है ठीक है तो वो किस में आता है पैलियार्टिक रियाम में एंड उसका ही जंक्शनल पार्ट मतलब शिवालिक को पकड़ के चलो सो so, शिवालिक इज द वी कैन सी सदर्न बाउंड्री ऑफ द दर्टिक और शिवालिक का लग के ही जो पार्ट रहेगा सो दैट इज अंडर और उसके पूरा साउथ वाला पार्ट तो वो आता है इंडो मलय मतलब मैक्सिमम 95 फाइव परसेंट ऑफ द इंडिया इज फॉल अलॉन्ग विदो मलायन रियाम ठीक है सो इंडो मलाय रियाम में आ चा गया ठीक है क्लियर एवरी वन ओके सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस

कि इसकी वजह से कोई कोरोना फैला गया था ठीक है तो ऐसे कहा भी जाता है मतलब अभी तक तो मिला नहीं है कोई एविडेंस कि चाइना के लैब से फैला या पैंगुलिन से फैला है ठीक है बट पैंगुलिन बहुत बार न्यूज में आ रहा है तो इस पर प्रोबेबल हो सकता है क्वेश्चन सो so, याद रखना आयु की रेड लिस्ट पर क्वेश्चन बन सकता है वो आता है एंडीजेड में शेड्यूल वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ठीक है एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव देखे जाए तो ट्राफिक किसके कंजर्वेशन के लिए बहुत एफर्ट करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है तो मैपिंग किया जाता है पेंगुलिन का ट्रेड जो होता है हब्स होते हैं या उसके ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ये इसका मैपिंग एक होता है प्रॉपरली एंड ट्राफिक इन पार्टनरशिप विद द डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लॉन्च अ सोशल मीडिया कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डाइवर्ट इफर्स टूर्ड द करबिंग ऑफ इलीगल ट्रेड इन पैंगोलिन ये 2015 में ही हमने लॉन्च कर दिया था विद द हेल्प ऑफ द ट्राफिक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ठीक है तो ऑलरेडी इंडिया भी बहुत एफर्ट ले रहा है कि पैंगोलिन के नंबर्स इंडिया में मेंटेन रहे या फिर उनका कंजर्वेशन हो ठीक है सो तो ऐसे ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आयुसिन के रेड लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल पैंगोलिन देखो इंडियन पैंगोलिन पे क्वेश्चन क्या बनेगा तो इट इज़ द ओनली स्पीसीज ऑफ द पैंगोलिन ऑकरिंग इन इंडिया सो इट इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया में दो पैंगोलिन आते हैं एक आता है चाइनीज पैंगोलिन ओके और एक आता है इंडियन पैंगोलिन सो इसलिए याद रखो दो पैंगोलिन है इंडिया में चाइनीज एंड इंडियन ओके सो एक एंडेंजर्ड है एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो so, चाइना वाला जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है और इंडियन वाला पैंगोलिन है वो एंडेंजर्ड में आता है शेड्यूल वन में आता है चलो ये तो सही है क्लासिफाइड एज ए इंडेंजर्ड ये बिकॉज यहां पे इंडियन पैंगोलिन के बारे में क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सो दैट इज राइट ऑल्सो इंडेंजर्ड में आता है अगर यहां पे क्वेश्चन होता है चाइनीज पेंगोलियन सो यहां पे एंडेंजर्ड नहीं क्या आना चाहिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है क्लियर है एवरी अंडरस्टूड ठीक है सो आंसर विल बी टू एंड थ्री ओके क्लियर यहां तक ओके सो चाइनीज पैंगोलिन देखो इट ऑल्सो अकर्स इन इंडिया मतलब इंडिया में चाइनीज पैंगोलिन भी मिलते हैं अरुणाचल एंड भूटान के जंक्शन पे भूटान पे ज्यादातर मिलते हैं ये अरुणाचल एंड भूतान जंक्शन पे ओके सो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ओके क्लियर है एवरीवन ओके ठीक है सो नेक्स्ट है काश्मीर साफरउन नाव टैग ये ऑलरेडी हमने कवर किया था जून के करंट अफेयर्स में न्यूज तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊँगा ठीक है काश्मीर वैलीज हो या जिसको करेवा फॉर्मेशन कहा जाता है सो करेवा रीजन या काश्मीर वैली जो है तो वहाँ पे इनका बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया जाता है सो so, याद रखना कश्मीर जी अटैक हमने ऑलरेडी मई एंड जून में कवर किया था करेवा रीजन मैंने आपको शो किया था ठीक है करेवा के अगर देखा जाए पीर पीरपांजल के नॉर्थ वेस्ट में ये करेवा सेक्शन आता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रॉपर मोरेंस वगैरह फॉर्मेशन हुआ है एंड वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये करेवा के रीजन्स में प्रॉपरली सैफरॉन बहुत अच्छा ग्रो किया जाता है जो कि एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है फ्लैट रीजन है कुछ और वहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है ठीक है तो यही रीजन करेवा का अगर देखा जाए तो वो रीजन अगर आप देखोगे तो कौन से कौन से पार्ट्स यहाँ पे आते हैं कि बुधगाम किश्तवार श्रीनगर पुलवामा एंड सम पार्ट ऑफ द कश्मीर ठीक है तो ये रीजन फेमस है उसके लिए एंड ओनली सफर इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ दस वन 1600 सिक्स हंड्रेड टू अट्ठारह मीटर तक अगर देखा जाए तो इतने बड़े अल्टीट्यूड पर जनरली ये ग्रो होता है ये उसके यूनिकनेस है बिकॉज इस के बाद अगर देखा जाए तो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ईरान का सेफरॉन फेमस है एंड उनके मार्केट प्राइस अगर देखा जाए तो ईरान सेफरॉन को सबसे ज्यादा है तो ईरान का जो सेफरॉन है तो वो लो अल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाता है और हमारा हाई अल्टीट्यूड पे तो ऐसे कहा जा रहा है कि देखो ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेफरॉन बट विद द जी एड एक् कश्मीर सेफरॉन वुड गेन मोर प्रोमिनेंस इन द एक्सपोर्ट मार्केट ठीक है तो ये बहुत अच्छे एडवांटेज की बात है तो so डेफिनेटली इसको जम्मू कश्मीर को एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा और उनके जो यहाँ पे पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक इकोनॉमिकली हेल्प होगी यहाँ पे ठीक है सो so, ऑब्वियसली कश्मीर सेफरॉन देखा जाए तो बहुत सारे कॉस्मेटिक हो गए मेडिकल पर्पज होगा या फिर फूड में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द यस ओके यस यस डेफिनेटली बस यू विल गेट द पी डी एफ ओवर दैर ओके यस ओके सो इट इज ग्रोन इन किश्तवार रीजन में मिलता है मोस्टली और लच्छा सेफरॉन मुंगरा सेफरॉन एंड गुच्ची सेफरॉन ऐसे कुछ तीन टाइप होते हैं सेफरॉन के सो इट्स स्टिग्मा जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लावर तो उसको लच्चा सेफरॉन कहा जाएगा मुंगरा मतलब क्या होता है कि जस्ट उसको डिटैच किया एंड उसको ड्राई किया जाएगा तो मुंगरा होगा गुच्ची में क्या होता है कि उसको प्रोसेस किया जाता है प्रॉपरली ठीक है उसको निकाला जाता है सेम लच्छा जैसे ही होता है बट इसको प्रॉपरली पैक किया जाता है प्रोसेस किया जाता है तो वो रहेगा गुच्ची सेफ्रॉन तो इंडिया के जो सैफरन उसका बेनिफिट क्या है या फिर उसका यूनिकनेस क्या है कैक्टरिस्टिक्स क्या है कि लॉन्गर एंड थीकर स्टिकमा नेचुरल डीप रेड कलर स्टिकमा हाई अरोमा होगा बिटर फ्लेवर है या केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होगी हाई क्वालिटी ऑफ द क्रोसिन मतलब कलर कलरिंग स्टेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर ले देता है वो रेड कलर एंड हाई मेडिकल वैल्यूज भी इसके रहेंगे ठीक है तो ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं ठीक है तो जी आई के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं तो देखो काश्मीर सेफ्रॉन होगा कडलमल हल्दी है तिरुमल तिरूर बेतल लिप है या तबला पून ऐसे कुछ पार्ट हैं ठीक है तो ये मतलब फाइन क्वालिटी फैब्रिक वोवन होता है जो कि मिजोरम में होता है तो इनको सबको एक वी कैन से जी आई टैग है तो रिसेंटली 19 में कुछ ठीक है तो प्लीज लिस्ट देख लो कि 19 में किसको किसको जी आई टेक मिले नाइनटी नाइन ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी के बीच में ये पूरी लिस्ट आपको गूगल पे ईजीली मिल जाएगा ओके ठीक है सो so, नेक्स्ट है मोबाइल ऐप कुरमा हेल्प्स सेव टर्टल इन इंडिया ठीक है सो मोबाइल ऐप जो कुरमा है सो so, याद रखना ऐसे कुछ ऐप यहाँ पे डेवलप हुआ था और उसी के थ्रू जो आ, मतलब मोस्टली ऑलीवुडेड टर्टल या मोस्ट ऑफ द अदर भी टर्टल्स है तो उनको रेस्क्यू किया जाता है ओके सो द ऐप इज नॉट ओनली प्रोवाइड द डिजिटल डेटाबेस विच हेल्प्स आइडेंटिफाई द स्पीसीज बट ऑल्सो प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर फॉर टर्टल अक्रॉस द कंट्री ठीक है एंड दिस एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क आई कैन ऐसे कुछ आते हैं उन्होंने डेवलप किया है इन कोलेब्रेशन विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है मतलब टर्टल के सर्वाइवल अलायंस के लिए एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया तो इनके थ्रू ये डेवलप किया जाता है ओके okay? क्लियर है एंड uh, बाकी तो चलो ठीक है बाकी आप इसमें देख लेना कि रिपोर्ट रिलीज हुआ था ट्राफिक का तो इसलिए ये कुरमा ऐप वगैरह डिस्कशन में थे कि टॉर्टेज एंड फ्रेश वाटर टटल अमंग द मोस्ट तो ट्राफिक इन द कंट्री मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राफिक जो होता है टर्टर्स का तो वो होता है टॉर्टेज एंड फ्रेश वाटर टर्टल का ठीक है तो ऐसे कहा जाता है यहाँ पर ठीक है सो ऐसे ही न्यूज़ में था सो प्लीज गो इन द डिटेल टॉर्टेज एंड टर्टल में फर्क देख लेना क्या होता है ओके यस एनी क्वेश्चन अप टू दिस फास्ट एक बार इसको ओवरलुक करो टर्टल जैसे कि साइज में थोड़े छोटे होते हैं टॉटेज साइज में बड़े होते हैं टॉर्टेज अगर देखा जाए मैक्सिमम टाइम जो है तो वो कोस्टल एरिया या फिर लैंड पार्ट में टेस्टल पार्ट पे ज्यादा स्पेंड करता है टर्टल मैक्सिमम टाइम वाटर बॉडी में स्पेंड करता है वेंकटेश okay. yes, uh, yes, कैन वी प्रिपेयर एनवायरमेंट इन द ट्वेंटी वन डेज स्टैटिक येस येस डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर स्टैटिक पार्ट इन यस डेफिनेटली इन द ट्वेंटी वन डेज और ट्वेंटी डेज में आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो इफ़ यू आर सब्सक्राइब टू प्लस कोर्स ऑन एन एकेडमी तो वहाँ पर मैंने आज से ही स्टैटिक कोर्स लॉन्च किया है एनवायरमेंट के रिलेटेड कि जिसमें पूरा इकोसिस्टम होगा एनसीआईटी बेस्ड कवरेज होगा एंड उसके बाद उसमें हम बायोडावर्सिटी चैप्टर होगा क्लाइमेट चेंज चाप्टर है Related, all and हो acts and हो या जो डिफरेंट कन्वेंशन एंड मीटिंग्स होते हैं हो uh, तो वो पूरे आपके वहाँ पे कवर किए जाएंगे सो इफ यू सब्सक्राइब ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द्लस चैनल प्लस में उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है जस्ट सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना है आपको सुमित कोंडे सो यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स yes. so any more question up to this? yes. ठीक mm -hmm. है, so next is the sacred groves. so award winning scientist institute from the forest uh, genetic uh, genetics अगर देखा जाए tree breeding kannan warrior तो इनको कुछ uh, national award of excellence मिला outstanding uh, research in the forestry. ठीक है, allapuzha district है केरला में तो वहाँ पे on कसूरीनाज ऐसे कुछ ट्रीज है तो उसके लिए कुछ अवार्ड मिला अवार्ड अवॉर्ड ऑल्सो रिकोगनाइज हिज रिसर्च ऑन ओके जो कि इसका रिसर्च किस पे था इसको जो कन्न वॉरियर्स है तो उनको जो रिसर्च है तो उसके रिगार्डिंग इनको केरला की जो टीम है तो उनको अवार्ड मिला है तो एक्सेलेंस ऑफ वी कैन से की फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन द फॉरेस्टी ओके इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ओके सो कस्ूरीनास जो है तो उसके लिए अवार्ड मिला है तो कस्ूरीनास क्या है सो इट इज द एवरग्रीन शब एंड ट्रीज तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये कौन से टाइप के वेजिटेशन में आते हैं तो याद रखना इट इज़ एवरग्रीन शब ट्रीज ओके ऑलमोस्ट थर्टी फाइव मीटर ये कुछ टॉल होता है एंड उसके बाद फिक्स एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन ऐसे कुछ यहाँ पे फिक्सेशन होता है ये उसके बेनिफिट्स से इंडिया इज द लार्जेस्ट प्लांटर ऑफ द कसूनाज इन द वर्ल्ड ठीक है तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्लांटर है ये पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इनका बेनिफिट होता है ओके okay? एंड उसके बाद और फैब्रिकेशन वगैरह ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं डिफरेंट अलाइड एक्टिविटीज है तो वहाँ पर भी इसका बेनिफिट होता है ओके क्लियर है यस ओके तो सैक्रेड ग्रूव क्या होते हैं देखो कि जहाँ पे वर्कशिप किया जाता है मोस्टली ट्राइबल लोगों से ये वी कैन से कि जो प्रोटेक्टेड होता है तो ऐसे होते हैं okay, तो याद रखना हनी होगा हनी कलेक्शन डेडवुड्स हो, हो गए तो ऐसे बहुत ही लिमिटेड वर्जन पे इनको अप्लाइड होता है और वी कैन से कि ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं वर्जिन प्लांट्स भी इनको कहा जाता है कि जो मोस्टली ट्राइबल लोग हो गए या अदर कम्युनिटीज हो गए तो उनके थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अनटचड फॉरेस्ट होता है उसको कहा जाता है सैक्रेड ग्रूव जो कि वर्शिप करते हैं उसको जैसे अमोंग द लार्जेस्ट अगर देखा जाए ऑन वंस इन हरियाली नियर द गौचर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड हरियाली ऐसे कुछ पार्ट आता है देवदार गुरु इन द शिमला इन हिमाचल प्रदेश ठीक है तो देवदार गुरु भी एक माना जाता है कि जो uh, इसमें uh, सेक्रेट ग्रूज में आता है देवदार देवबन देखो यहाँ पे देवदार देवबन ग्रूज इन हिमाचल प्रदेश तो ये भी उसके अंडर ही आएगा ओके okay? तो अलग अलग नाम है कावू इन द मलाया है ना मलाई मलयालम ऐसे लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो अलग लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग हर जगह पे एक सेक्रेट ग्रूव को अलग अलग नाम होते हैं ओके okay? ये फ्यू ट्रीज भी हो सकते हैं देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इट कुड बी ओनली अ फ्यू ट्रीज और अ एंटायर फॉरेस्ट मतलब सेक्रेट ग्रूव नॉट नेसेसरी कि पूरा फॉरेस्ट हो ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो ओनली फ्यू ट्रीज टू एंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है और जो कि हंटिंग एंड लॉगिंग आर यूजली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विद इन द दिस पैचेस ओके ओके ठीक है सो so चलेगा तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस तो कल हम देखेंगे ऑगस्ट ऑगस्ट 2020 का कवरेज द हिंदू न्यूज़ कवरेज ओके okay? सो so कल राइट एट 1 पीएम एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होगे सो so प्लीज आ, आप अनअकैडमी पे ऐप पे मेरे सेशंस होते डिफरेंट स्पेशल लाइव सेशंस होते जो कि फ्री होते हैं सबके लिए सो so, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कल लास्ट टू डेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने कवर किए थे सो so वो भी आप चेक कर सकते हो जस्ट टाइप सुमित कोंडे ओके ऑन अन अकेडमी ऐप तो वहाँ पे फ्री में सेशन आपको पूरे चैनल पे फॉलो करने के बाद आपको दिख जाएंगे ठीक है ओके एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस यस ट्वेंटी का अटेम्प्ट आपका वेंकटेश सो आई एम प्रिपेरिंग करंट अफेयर फ्रॉम जैन विल बी यू वीड बी ओके येस यस डेफिनेटली तो जैन ट्वेंटी ट्वेंटी से भी करो आप नो इश्यूज़ बट मेरा जो करंट अफेयर्स का कवरेज है तो उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स का कवरेज नहीं होता है उसमें थ्री सिक्सटी डिग्री कवेज होता है मतलब उसमें स्ट्रैटिक भी आपका कवर हो जाता है ठीक है तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है आप मेरे वीडियोज़ देख लेना या जो भी पी पी डीज आपको अवेलेब पी डी एफ्स आपको ऐप पर अवेलेबल होगी अन एकेडमी ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा तो वो पी डी एफ्स गो थ्रू कर देना बिकॉज उसमें स्ट्रेटिक पार्ट भी हमने कवर किया अपार्ट फ्रॉम द करेंट ओके सो स्टैटिक भी आपका वहां पर कवर हो जाएगा तो आपको उतना ही लोड कम होगा रेफरेंस बुक रीड करने के लिए ठीक है या फिर आपको ईजी हो जाएगी चीजें एंड अप्रोच के साथ होगा बिकॉज यूपीएससी का अप्रोच क्या होता है कोई बुक रेफरेंस बुक नहीं होता है तो उसका अप्रोच ये होता है करंट अफेयर्स और यूपीएससी मोस्टली द हिंदू के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछती है तो इसलिए वो बेस्ट है रादर दैन कम्पलीटिंग जस्ट रेफरेंस बुक्स तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि करंट अफेयर्स को लेकर फिर स्टैटिंग पार्ट कवर करना है एंड ये एनवायरनमेंट में हो सकता है बिकॉज़ एनवायरनमेंट में इतना इंटरलिंकिंग नहीं होता है वो टॉपिक है तो उसका ही टॉपिक का आपको कवरेज होना जरूरी होता है ठीक है यस एनी क्वेश्चन ओके सो ओके देन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मिलते हैं कल राइट right एट 1 पीएम विद द अगस्त 2020 करंट अफेयर्स ओके सो थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे